आज का टॉपिक ये है कि सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का जो रिजल्ट आने वाला है उसे हम चेक करेंगे। तो गाइस हम उसके लिए यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन किए हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे हम सरकारी रिजल्ट। तो आपको भी सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं और ये फर्स्ट वाला लिंक आएगा सरकारी रिजल्ट का। तो गाइस यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे 3 डॉट में जाएंगे और डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड किया हुआ है। ये सर टिक पे देख सकते हैं मारा हुआ है टिक। अगर आपका में टिक किया नहीं है तो आप टिक मार देंगे तो डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। तो गाइस आप मोबाइल में जो जो भी टैब खोलेंगे आपको कंप्यूटर लैपटॉप की तरह ही आपको यहाँ पे शो होगा। तो गाइस हम अपना स्क्रीन घुमा लेते हैं क्योंकि इसमें सुविधा होगा आप लोग को देखने में। और मुझे पता है कि मेरा व्यूअर सबसे अधिक मोबाइल में ही देखते हैं। तो गाइस आपको बता दें फर्स्ट वाला लिंक है ये वाला। तो हम इसे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको ये सरकारी रिजल्ट का जो लिंक है आपको यहाँ पे लेके आएगा। तो गाइस यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और एंसर की। तो गाइस आप यहाँ एंसर की देख रहे हैं आपको यहाँ पर व्यू मोड पे क्लिक करना है। तो गाइस हम यहाँ व्यू मोड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमें स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखना है हमें सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन एंसर की 2023। तो गाइस यहाँ पे ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा तो यहाँ पे करना क्या है कि फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करने के लिए 3 डॉट में क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर फाइंड इन पेज है आपको इसे क्लिक करना है। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं तो एक सर्च बार खुलेगा ये वाला। तो यहाँ पर टाइप करना है सी आर पी एफ कॉन्स्टेबल, उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ नीचे सर्च ब्लू वाला बटन है, इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे रहेगा, आपको ढूंढने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल, क्योंकि इतना ही टाइप किए थे तो इतना ही सिलेक्ट हुआ है। तो गाइस इस वाले लिंक को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए इसे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर फिर से हमें स्क्रॉल होके आना है नीचे पे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो भी अपडेट दिया हुआ है इसमें आपको यहाँ पर एंसर की दिया हुआ है ये वाला और एंसर की नोटिस है, फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड है, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम नोटिस है चौथा में और पांचवा में अप्लाई है जहाँ से आप अप्लाई किए थे। तो गाइस जहाँ से आप अप्लाई किए थे तो एक्चुअली जो भी रिजल्ट आएगा तो वहीं से आएगा, दूसरा जगह से देगा नहीं। तो गाइस अभी देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत सारे फेक वीडियो पड़ा होगा जो भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया, बट अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी सिर्फ कट ऑफ मार्क ही आया हुआ है। तो गाइस आपको जब भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा इसी आसपास में। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट का अपडेट आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन एकदम ओरिजिनल कंटेंट आता है, यहाँ पर कोई झूठा कंटेंट नहीं बनाया जाता है, झूठा वीडियो नहीं आता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा आपका वो वीडियो, तो आप उस समय देख सकते हैं, यहाँ तो देख के डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको ज़्यादा ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वीडियो में आएंगे डिस्क्रिप्शन में आएंगे वहाँ पर लिंक मिलेगा, लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।